श्री सीताराम भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम। देखो, हमारे भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान श्री सीताराम का पुष्पारूढ़ वाला विग्रह अंकित है। जिस संविधान का प्रथम पृष्ठ ही भगवान राम से प्रारंभ होता हो, भगवान राम के आदर्शों से प्रारंभ होता हो, उन भगवान राम की जीवन गाथा श्री रामचरित मानस जो हमारे भारत का एक अनूठा ग्रंथ है, उसके प्रति अगर इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाता, ये घोर निंदनीय है। हमें इसके पीछे षड्यंत्र नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने भी यह जलाई है या कुछ भी किया है, बहुत निंदनीय है। इसलिए तो हम कह रहे हैं, अब सनातनियों को एक होना पड़ेगा। हम लोग कब तक ये सब सहेंगे, कब तक आखिर? उसके पीछे हमें लगता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी टीम है, जो हिंदुओं को आपस में लड़वा भिड़वा करके राज करना चाहते हैं, सब हिंदुओं को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हम यही कहना चाहेंगे, प्रत्येक भारतीय हिंदूवासी से आपको जागना पड़ेगा। ऐसे लोग जिन्होंने रामचरितमानस पर उंगली उठाई है, उनसे हाथ मिलाना है या क्या मिलाना है, उसका जवाब सबको देना पड़ेगा। आखिर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है जवाब देने का, और बोलने का अधिकार सबको है। और ऐसे व्यक्ति को जवाब देना चाहिए, ताकि लौट करके टेढ़ी निगाह से ना देखो, इन्हें भारत में रहने का भी अधिकार है। इस पर हमारा तो यही कहना है, समूचे भारत के लोगों से हम कब से चिल्ला रहे, कब से बोल रहे, सब एक हो। अब एकजुटता की आवश्यकता है। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो, ऐसी मांगने की आजादी सबको है, हमको भी है, और हम सब हिंदू एक हो, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं, हम जुटे रहेंगे जब तक तन में प्राण रहेगा। हमें भरोसा है अपने इष्ट पर, अपने गुरु।